गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का सब्जेक्ट सोशल साइंस वर्कशीट नंबर हमारा 5 है, जो कि 17 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सब टॉपिक फिर करेंगे आवर कंट्री इंडिया का पार्ट 3 है, जो कि बेहद ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया ऐसा कंट्री है जिसका वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है। इन नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालय, और सबसे बड़ा हिमालय जो नॉर्थ में है उससे जो है ना क्या है, हमारे भारत के नॉर्थ में हिमालय है, जिससे वो मतलब हिमालय की पहाड़ है वो, जो उससे हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया द हिमालय माउंटेन्स आर द डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंज, और हिमालय माउंटेन को 3 पैरेलल रेंज में क्या किया गया, बांटा गया है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, नॉर्दर्न मोस्ट को कहते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक आर द लोकेटेड इन दिस रेंज, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय में जो है ना वर्ल्ड हाइएस्ट पीक जो है ना लोकेट करता है। हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाचल साउथ के हिमाद्री में होता है। मैनी पॉपुलर हिल्स स्टेशंस आर सिचुएटेड हेयर, और बहुत सारे पॉपुलर हिल्स जो है ना यहाँ पे पाया जाता है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 हिल्स स्टेशन। द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज, शिवालिक क्या है, साउदर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है ना वो साउथ ऑफ हिमालय में है, ठीक है। दे आर द जनरली द लेवल्स एंड फ्लैट, और वो कैसा है, फ्लैट है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी वेस्टर्न पार्ट में इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, इंडियन डेजर्ट है। और इट इज ए ड्राई, ये कैसा है, ड्राई है, हॉट है और सैंडी है, स्ट्रेच्ड ऑफ लैंड। द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी साउथ में जो है ना पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी पेनिनसुलर प्लेटू आप यहाँ पे कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये इस शेप में जो है ना, ये जो है ना क्या है, ये इस शेप में यहाँ से है, ठीक है, तो ये पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है इसे, राइट। अब देखिए पेनिनसुलर प्लेटू, इट इज ए ट्रेंगुलर इन शेप, ट्रेंगुलर इन शेप है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज ए रीजन विद द न्यूमरस हिल्स रेंजेस, ये रीजन है जहाँ बहुत सारे हिल्स है, वैलीज है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, अरावली हिल्स जो है ना ओल्डेस्ट रेंज है दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा रेंज है, ठीक है। बॉर्डर इट इज ऑन द नॉर्दर्न वेस्ट साइड, द विंध्याचल, विंध्या एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज, और विंध्या और सतपुरा इसका इम्पोर्टेंट रेंज है, ठीक है। द रिवर्स नर्मदा एंड द तापी फ्लो थ्रू द दीज रेंज, यानी जो विंध्या और सतपुरा से ही ना नर्मदा रिवर क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है, नर्मदा नदी बहती है। दीज आर द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जिसे हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है। डेट ड्रेन इन टू द अरेबियन सी, और अरेबियन सी तक जाते जाते वो क्या होता है, सूख जाता है। द वेस्टर्न घाट और द सहद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, यानी ईस्टर्न घाट जो है ना ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है, जबकि वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कंटिन्यू द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो है ना कंटिन्यू ईस्टर्न घाट से है, ठीक है। आर ब्रोकन एंड द अन ईवेंस टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन में है। द टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडिया, लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइसलैंड क्या है, अरेबियन सी में है, जो है ना आपने देखा होगा लक्षद्वीप आइसलैंड, ठीक है। देर आर कॉर्नल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्टल ऑफ द केरला, यानी कि जो है ना केरला के कोस्टल के आसपास है, ठीक है। द अंडमान इन द निकोबार आइसलैंड लाइज टू द साउदर्न ऑफ द इंडियंस मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना क्या है, अंडमान निकोबार, यानी जो है ना अंडमान निकोबार यहाँ पे आपको जो है ना क्या है, ये है, ठीक है, और ये रहा आपका जो है ना, ये है, ये जो है, ये आपका जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये है जो है ना कौन सा है, मतलब
अरेबियन सी में गिर रहा है, तो लक्षद्वीप वगैरह, ठीक है। चलिए इसमें बहुत ही खास प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्दर्न रेंज ऑफ द हिमालय कॉल्ड द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पेनिनसुला, शेप ऑफ द पेनिनसुला क्या, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर। नेक्स्ट वन इज विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज, द अभिनर्मदा और तापी रिवर, अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। वाई आर द लक्षद्वीप आइसलैंड कॉल्ड द कोरल आइसलैंड, लक्षद्वीप को कोरल आइसलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज द लक्षद्वीप आइसलैंड आर फॉर्म फ्रॉम द कोरल, ये कोरल से बनता है। उसके बाद है, वॉट आर द वेस्टर्न घाट ऑल्सो कॉल्ड, वेस्टर्न घाट को और क्या कहा जाता है, द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो कॉल्ड नोन एज द सह्याद्री। उसके बाद लास्ट वन है, वट इज़ द ड्राई एंड द हॉट लैंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड द डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है दिस वीडियो इज हेल्पफुल तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।